गुड मॉर्निंग माई लवली स्टूडेंट्स दिस इज़ योर कंप्यूटर क्लास हाई दिस इज़ अंजुम योर कंप्यूटर टीचर सो टुडे इज योर कंप्यूटर क्लास वी ऑल आर गोइंग टू एक्स रिविज़न चैप्टर फ़ोर कीबोर्ड अ स्पेशल की स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास में हमने इसकी एक्सप्लेनेशन का रिविज़न किया था सो आज हम इसकी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे ओके सो टेक आउट द बुक एंड नोटबुक ऑल्सो सो लेट गेट स्टार्टेड सो स्टूडेंट्स ओपिन पेज नंबर थर्टी सिक्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइजेस का फिलिंग द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ हिंट्स गिविंग ब्लू इन हिंट्स के थ्रू हमें इन फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है सो so, हमारी फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक है आर डैश इज़ अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द स्क्रीन जो स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन होती है बच्चों वो क्या होती है हमारा कर्सर सो so, हम इसमें कर्सर फिल करेंगे नेक्स्ट इज द स्पेस बार की इज़ द डैश की ऑन द कीबोर्ड सबसे हमारी लॉन्गेस्ट की कौन सी होती है स्पेस बार की तो हम इसमें क्या फिल करेंगे लॉन्गेस्ट वेरी गुड नेक्स्ट इज द डैश की इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द राइट अगर हमें अपने कर्सर को राइट साइड मूव करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं राइट एरो की का तो हम फिल करेंगे इसमें राइट एरो फोर्थ इज द डैश की इरेज लेटर टू द लेफ्ट साइड ऑफ़ द कर्सर सो हम इसमें फिल करेंगे बैक स्पेस क्योंकि हमें अगर लेफ्ट साइड से इरेज करने होते हैं लेटर्स तो हम बैक स्पेस का यूज़ करते हैं नेक्स्ट इज द डैश की ब्रिंग्स द कर्सर डाउन टू द नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन में अगर हमें कर्सर को पहुंचाना है तो हम किस यूज़ करेंगे एंटर की लास्ट इज़ आ की डेट इज़ यूज़ अलोंग विद द अनदर की इज़ नो एज द डैश की इसे बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन की तो लास्ट में हम फिर करेंगे कॉम्बिनेशन की सो स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख रहे हैं नेक्स्ट पेज पर हमारा मैचिंग है मैचिंग द फॉलोइंग पिक्चर्स विद द गिविंग वर्ड्स हमें इन वर्ड्स से पिक्चर्स को मैच करना है जैसे कि मैंने मैच किया है आप भी ऐसे ही मैच कर लेंगे देखिए यहाँ पे कुछ कीज़ की पिक्चर हैं सबसे देखिए लेफ्ट साइड में सबसे टॉप वाली पिक्चर एक लॉन्ग सा बार है जिसे हम बोलते हैं स्पेस बार की तो हम इसे मैच कर देंगे स्पेस बार की से नेक्स्ट है हमारा जिस जिसपे राइट ऑलरेडी उसका नेम है बैक स्पेस की तो हम उससे मैच कर देंगे लास्ट से बैक स्पेस की ठीक है यहाँ देखिए फोर्ट एरो बने हुए डायरेक्शन में तो ये क्या हो रहा हमारा एरो कीज तो हम से मैच कर देंगे एरो से राइट right साइड में फर्स्ट पिक्चर हमारी जिसपे नेम मेंशन है लॉक तो हम इसे लॉक की से ही मैच कर देंगे नेक्स्ट इज डिलीट की यहाँ ऑलरेडी उसका नेम मेंशन है तो हम इसे डिलीट की से मैच कर देंगे लास्ट हमारा ये एंटर है हमारा इस पर राइट right है इसका नेम एंटर तो हम फर्स्ट पर जो हमारा एंटर की राइट हुआ है वहां हम इसे मैच कर देंगे नेक्स्ट इज गेस्ट विच की एम आई यानी हमें गेस्ट करना है ये कौन सी की है आई टाइप द लेटर इन कैपिटल कैपिटल लेटर्स टाइप करने के लिए हम कौन सी की का कर यूज़ करते हैं कैप्सॉक की तो हम यहाँ फिल कर देंगे कैप्स लॉक की सेकेंड इज़ आई इरेज द लेटर टू द राइट साइड ऑफ द कर्सर अगर हमें राइट right साइड से इरेज करना होता है तो क्या हो कौन सी की का कर यूज़ करते हैं हम डिलीट की आई मूव द करसर टू अ न्यू लाइन न्यू लाइन में जाने के लिए हम एंटर की का यूज़ करते हैं तो हम फिल करेंगे एंटर की लास्ट इज़ आई गिव द स्पेस बिटवीन वर्ड्स हमारे वर्ड्स में कौन सी की स्पेस देती है स्पेस पा की नेक्स्ट इज़ टिक द राइट आंसर अब हमें क्या करना है टिक द राइट आंसर करना है हाउ मैनी अल्फाबेट कीज़ आर दियर ऑन द कीबोर्ड फर्स्ट है हमारा ट्वेंटी सिक्स बी सिक्सटी टू एंड सी ट्वेंटी तो आंसर इज़ ट्वेंटी सिक्स तो हम ट्वेंटी सिक्स पे टिक करेंगे राइट सेकेंड इज़ हाउ मैनी एरो कीज़ आर दियर ऑन द कीबोर्ड कितनी एरो कीज़ होती हैं ए फाइव बी फोर सी थ्री तो आंसर करेक्ट आंसर है फोर तो हम फोर पे टिक करेंगे थर्ड इज़ हाउ मैनी एंटर कीज़ आर देयर ऑन कीबोर्ड ठीक है कितनी के एंटर कीज होती हैं ए में वन बी टू सी थ्री तो आंसर इज बी टू तो हम टू पर टिक कर देंगे फोर्थ इज विच कीज कॉम्बिनेशन इज़ यूज टू मूव कर सर टू द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस एंड बी कंट्रोल प्लस होम या सी ऑल प्लस एफ फोर तो बी इज़ कंट्रोल प्लस होम हम इस पर टिक करेंगे विच अमोंग द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ पंक्चुएशन की ये कौन सी है इसमें देखिए ए में हमारा क्वेश्चन मार्क है बी ए है और सी वन है तो क्वेश्चन मार्क इज़ पंक्चुएशन की तो हम इस पर टिक कर देंगे ओके okay, सो so हमारी बुक की सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई हैं अब हम नोटबुक्स में जो मैंने आपको वन वर्ड आंसर्स और क्वेश्चन आंसर्स राइट किए हैं हम उसको डिस्कस करेंगे सो टेकआउट द नोट बुक्स एंड ओपन क्वेश्चन आंसर्स सो स्टूडेंट्स सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको आंसर वर्ड वर्ड कराए थे इसमें जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच की ब्रिंग द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन में हम किस की का कर यूज़ करते हैं एंटर की आंसर इज एंटर की सेकेंड इज विच की कॉम्बिनेशन इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द टॉप ऑफ आर डॉक्यूमेंट अगर हमें अपने कर्सर को टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट पहुँचाना है तो हम किसका यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस होम तो आंसर इज़ कंट्रोल प्लस होम थर्ड इज़ विच की कॉम्बिनेशन इज़ यूज़ टू क्लोज़ द प्रोग्राम किसी भी प्रोग्राम को क्लोज़ करने के लिए जो कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं हम की इसका वो है ऑल प्लस एफ फोर फोर्थ इज़ विच की इज़ यूज़ टू टाइप लेटर इन अ कैपिटल कैपिटल में जैसे अभी हमने फिल करा था हमें टाइप करना होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे कैप्स लॉक की का यूज़ करेंगे फाइव क्वेश्चन इज हाउ मेनी कीज़ डज़ अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ किस तरह से हम एक क्या करेंगे कितनी कीज़ होती हैं एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में हमने चैप्टर में पढ़ा था 104 कीज़ होती हैं सो so, हम इसका आंसर लिखेंगे 104 कीज़ हमारा सिक्स क्वेश्चन है नेम वन की दैट वर्ड्स लाइक ऑन इरेजर यानी जो वर्ड्स को एक इरेजर की तरह यूज़ करते हैं ठीक है सो वो हमारी बैक स्पेस की ठीक है इसका आंसर है नेक्स्ट इज़ मैंशन की दैट वर्ड इन कॉम्बिनेशन विद द अनदर कीज़ ठीक है इसमें हमारा जो है शिफ्ट कीज़ हैं कंट्रोल की हैं एंड ऑल्ट कीज़ हैं ये सारी कीज़ जो हैं हम किसी ना किसी दूसरी कीज़ के साथ कॉम्बिनेशन कर कर यूज़ करते हैं एट क्वेश्चन है हमारा विच इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड लॉन्गेस्ट की ऑन कीबोर्ड कौन सा है स्पेस बार की ठीक है स्पेस बार की हम यूज़ करते हैं सबसे लॉन्गेस्ट की रहती है, है हमारे कीबोर्ड पे हाउ मैनी अल्फाबैट कीज़ दी आर ऑन आर की बोर्ड कितनी कीज़ होती हैं अल्फाबैटिक ट्वेंटी सिक्स कीज़ तो आंसर इज़ ट्वेंटी सिक्स नेम द की यूज़ टू रिमूव रॉन्गली टाइप करेक्टर्स टू द राइट साइड राइट साइड से अगर रॉन्गली करेक्टर्स को हमें इरेज करना है तो हम यूज़ करेंगे डिलीट की ओके सो ये हमारे वन वन आंसर्स कम्प्लीट हो गए हैं नेक्स्ट इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था लिस्ट द टाइप ऑफ़ की ऑन कीबोर्ड सबसे हमें क्या करना अपनी जितनी भी टाइप्स की कीज़ होती हैं उनकी लिस्ट को राइट डाउन करना है ओके सो आंसर इज़ द डिफरेंट कीज़ ऑन द कीबोर्ड्स आर नंबर कीज़ एल्फ़ाबेटिक कीज़ डिलीट कीज़ स्पेस बार कीज़ एरो कीज़ एंड एंटर कीज़ ये सारी टाइप्स की कीज़ होती हैं हमारे कीबोर्ड्स पे ओके okay, स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन इज वाट इज द कीबोर्ड की बोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट अलाउ यू टू एंटर लेटर्स नंबर्स एंड सिम्बर्स इन टू योर कंप्यूटर ठीक है कीबोर्ड क्या है बच्चों एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर में डाटा को फीड करते हैं बाय टाइपिंग ठीक है हम इससे टाइप करते हैं लेटर्स नंबर्स सिंबल्स ठीक है जो हमारे कंप्यूटर में फीड होते हैं और हमारे उसका result जो होता है आउटपुट के थ्रू कहाँ नज़र आता है स्क्रीन पर नज़र आता है मॉनिटर के आई होप आपने अच्छे से इसको समझा होगा अच्छे से आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे सारी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स सो स्टूडेंट्स आपको भी अच्छे से इनका रिविज़न करना है हमें अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना है ओके सो टेक केयर Goodbye.